आपके सामने ये स्मॉल और ब्यूटीफुल फ्लावर्स दोस्तों पर्पल हार्ट प्लांट के हैं। ये पर्पल हार्ट प्लांट के दोस्तों आप लीव्स भी चेक करें, बहुत ही प्यारा जो पर्पल कलर इनके लीव्स का रहता है, हमारे गार्डन में एक नया ही अट्रैक्शन ये ऐड करते हैं, नई ब्यूटी नया कलर ऐड करते हैं। ये समर में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, समर के अंदर ही ये काफ़ी फ्लावरिंग भी करते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इन प्लांट्स में हम ज़्यादा फ्लावर्स कैसे पाएँ और इनके लीव्स का जो कलर है वो ज़्यादा ब्राइट पर्पल टाइप का हम कैसे करें, क्योंकि कई बार प्रॉपर केयर ना हो पाने की वजह से इन प्लांट्स में फ्लावर्स भी नहीं आते और लीव्स का कलर जो है वो डल सा हो जाता है, वो ग्रीनिश टाइप का ज़्यादा आने लगता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है दोस्तों कि आप इस पर्पल हार्ट प्लांट को फुल डे सनलाइट के अंदर रखें, खास करके इन प्लांट्स को कम से कम 4 से 6 घंटों की डायरेक्ट सनलाइट है वो मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि ब्राइट लाइट के अंदर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ही इन प्लांट्स के जो लीव्स का जो डार्क पर्पल या ब्राइट पर्पल कलर निकल के आता है। अगर आप इन्हें शेडी एरिया में ग्रो करेंगे या फिर जहाँ पर सनलाइट कम आती है वहाँ रखने से इनके लीव्स का जो ये पर्पल कलर है वो धीरे धीरे ग्रीन टोन में कन्वर्ट होना शुरू होने लगता है और लीव्स काफ़ी डल भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये सर्कुलेंट प्लांट होते हैं, इनके लीव्स में इनके स्टेम के अंदर वाटर स्टोर रहता है, इनको हल्का सा भी जरूर से ज़्यादा अगर पानी मिलेगा तो इनकी जड़ें जो हैं वो गलनी शुरू हो सकती हैं और फ्लावर्स तो इनके ऊपर फिर बिल्कुल नहीं आने वाले। तो आप दोस्तों इनको पानी जो है वो पूरा चेक करने के बाद ही दें, जब तक इनकी टॉप सॉइल पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाती आप इनको पानी न दें। इनकी सॉइल में लंबे टाइम तक अगर मॉइस्चर मेंटेन रहता है तो प्लांट्स नेगेटिवली इसको रिस्पोंड करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इनको आप वाटर दें। ये प्लांट्स दोस्तों बिना किसी खास केयर के और तेज़ी से ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं, आप इनकी टाइम टाइम पर प्रूनिंग भी करते रहें, क्योंकि जब आप इनकी ब्रांचेस को प्रून करते हैं तो प्लांट्स में साइड में से मल्टीपल ग्रोथ निकल के आती है और उतने ही ज़्यादा इन पर फ्लावर्स लगेंगे। आप देखें मेरे इस पर्पल हार्ट प्लांट में काफ़ी ज़्यादा जो फ्लावर्स खिले हुए हैं। इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आप वेल ड्रेन्ड सॉइल का ही यूज़ करें जिसमें पानी रुक ना पाए, चाहे आप इसे ग्राउंड में ग्रो करें या फिर किसी पॉट में। तो अगर पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें ड्रेनेज होल्स भी प्रॉपर आपने निकालने हैं। सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए आप करीब 60% गार्डन सॉइल ले लें, उसमें 40% आप उसमें सैंड ऐड कर दें या फिर आप चाहें तो थोड़ा कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, पर इसकी खास ज़रूरत इन प्लांट्स को होती नहीं अगर आप इसे ग्राउंड में ग्रो कर रहे हैं तो। गार्डन सॉइल और सैंड का आप इक्वल प्रोपोर्शन भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों हम खाद की बात करें तो ये बिना किसी खाद के ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, मैंने इनको आज तक एक बार भी फर्टिलाइज नहीं किया, क्योंकि जो रोल फर्टिलाइज़र का रहता है उससे कहीं ज़्यादा रोल सनलाइट का, वाटरिंग का या किस प्रकार का सॉइल मिक्स है, तो इनका भी मेन पार्ट मेन रोल रहता है। अगर आप इन्हें पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आप चाहें तो मंथ में एक बार या फिर 2 मंथ में एक बार हल्की हल्की जो वर्मी कंपोस्ट है या कोई भी कंपोस्ट आप इनके पॉटिंग सॉइल के अंदर ऐड करते रहें तो उसी से ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते रहते हैं और हमें ढेरों फ्लावर्स भी देते हैं।